नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा करना, आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी फोन पे चलाते हो, दोस्तों अगर आप भी अपने फोन पे सिक्योरिटी लॉक लगाना चाहते हैं, पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन पे अपना जो है सिक्योरिटी लॉक लगा सकते हैं, पैटर्न लॉक लगा सकते हैं या इसकी या फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी का लॉक लगाने के लिए या पैटर्न लॉक लगाने के लिए या फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये बोलेगा प्रोटेक्ट योर अकाउंट, यूज स्क्रीन लॉक टू सिक्योर योर फोन पे अकाउंट। तो अनेबल स्क्रीन लॉक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके फोन की सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाती है। देखिए, ये जो आपके फोन की सेटिंग्स है ये ओपन हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है आपको, ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपने अपने फोन के अंदर लॉक स्क्रीन पासवर्ड अनेबल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके फोन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड अनेबल करना है। इसके बाद इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये बोलेगा क्वेश्चन के लिए, इसके बाद ये आपको पढ़ लेना है, इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है अपने फोन पे। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है, तो यहाँ पे जो है मैंने वेरीफाई कर दिया। अब ये पासवर्ड दोस्तों आपके फ़ोन पे में लग जाएगा। तो ये आप कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आपको बोलेगा फिंगरप्रिंट के लिए, तो अगर आप फिंगरप्रिंट भी लगाना चाहते हैं तो देखिए, ये फिंगरप्रिंट है मेरा, तो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट एक्सेस दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा फिंगरप्रिंट भी लग गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस तरह से आपको यहाँ पे आपका फिंगर पासवर्ड भी लगा देना है और फिंगरप्रिंट भी लगा देना है, दोनों यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए, मेरा लॉक स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पे अनेबल हो गया, ठीक है। अब जब मैं अपने फ़ोन को ओपन करूँगा तो यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन पासवर्ड मांगेगा। तो देखिए, जो मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल दूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए दोस्तों, अब आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो क्या करना है वो आपको देखिए देखिए अब जो आप जब फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन लॉक अनेबल बायोमेट्रिक। तो ये आपको ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। तो बायोमेट्रिक एंड स्क्रीन लॉक यहाँ पे ये सिक्योरिटी वाला ऑप्शन ले लेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना। तो यहाँ पे बैक आने के बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप जो है फोन पे एप्लीकेशन में ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने स्क्रीन लॉक नहीं लगाया हुआ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें आने के बाद मैं अपना स्क्रीन लॉक ओपन ऑन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कभी भी यहाँ पे जो है फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जब मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो ये मेरे से स्क्रीन लॉक मांगेगा। देखिए, एंटर फोन स्क्रीन लॉक या पासवर्ड, तो मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट जब मैं लगाऊंगा तो यह फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी जो है अपने फोन पे एप्लीकेशन में यहाँ पे स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, सिक्योरिटी लॉक लगा सकते हैं या फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन सुझाव नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहे हर मध्य मुझे भोलेनाथ।